हेलो एवरीवन, सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी 2023 को, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ पद्म भूषण पद्म श्री अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। और अगर हम भारत रत्न की बात की जाए तो पुरस्कार आज नहीं दिया गया है 2022 में। पद्म विभूषण की बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर प्रभा को दिया गया है महाराष्ट्र से, जो है कला के क्षेत्र पद्म भी दिया गया है। देन राधे श्याम को ये अवार्ड दिया गया है। बाद जनरल बिपिन रावत सर को ये अवार्ड दिया गया है सर्विसेज उत्तराखंड। श्री कल्याण जी उत्तर प्रदेश के हैं पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में। फिर अगर पद्म बात की जाए, कुल 15-16 लोगों को मिला है। तो अभी आप देख सकते हैं राजस्थान महाराष्ट्र, ये आप सोचेंगे भारत का जो ये पद्म भूषण है ये बाहर के लोग, तो आप देख सत्या नडेला है, सर पिचाई है, साइरस सोटी है। अभी सत्या नडेला और सुंदर पिचाई तो यूएसए में रहते हैं, आपको पता ही होगा। बट ये एक भारतीय मूल के नागरिक हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, इसके लिए इन्हें इस साल पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण में बात की जाए तो श्री गुलाम नबी आजाद जी को, विक्टर सर जी को, गुरमीत मैम को, चंद्रशेखरन सर को, में दो लोगों को साथ में दिया है ट्रेन इंडस्ट्री के लिए, मधुर जेफरी। इन्हें स्पोर्ट्स में दिया गया है राशिद खान, राजीव, सत्या नडेला यूएसए से, सुंदर पिचाई साइरस महाराष्ट्र से, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है इन्हें, संजय जी को मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग मैक्सिको में। इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है उड़ीसा में। देन स्वामी जी को लिटरेचर एंड एजुकेशन गुजरात में मिला है। एंड इन्हें भी लिटरेचर एंड एजुकेशन त्रिपाठी जी को मिला है उत्तर प्रदेश से। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं कि टोटल 16 लोगों को पद्म भूषण मिला है। यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा अवार्ड गया है। राजस्थान को 2, उत्तर प्रदेश को 2, महाराष्ट्र को 2, उड़ीसा 1, वेस्ट बंगाल में 1। बट मेन जरूरी है कि हम भारतीयों को ऐसे कामों के लिए सराहना इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से मिल रही है। और अगर पद्मश्री की बात की जाए तो पद्मश्री में इस बार काफी लंबी लिस्ट है। अपने लिस्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 107 लोगों को पद्मश्री मिला है। हर भारत के हर कोने से कोई ना कोई आ रहा है भारत में, भारत को एक सक्षम भारत देश बनाने में अपना योगदान दे रहा है। हर कोने से, आप दे आसाम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं कि इन सभी लोगों को भारत की तरफ से पद्मश्री का अवार्ड मिला है। इनके कार्य को ध्यान में रखते हुए लिस्ट काफी लंबी है। अगर आप इसे रेफर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पद्मश्री .gov.in पे जाके ये लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशन अलग अलग फील्ड में मिला है, जैसे ट्रेड ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, लिटरेचर, स्पोर्ट्स। और लिटरेचर में सबसे ज्यादा है, एंड आर्ट्स में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आप ये देख के समझ सकते हैं, मैं पेज को रिफ्रेश कर सकता हूँ, मेरा पेज आई थिंक लोड नहीं हो रहा, तो हम लोग पेज को वेट करते हैं एंड लोड करके एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन करके सभी लोगों का डिटेल देख लेते हैं कि किन्हें कितने पद्मश्री से नवाजा गया है इस साल। बट ये काफी इस बार खुशी हो रही है कि भारत के हर कोने से लोग आए हुए हैं, ये ऐसा काम किया है लोगों ने, काफी अच्छा काम किया। तो अभी देखिए यहाँ पे हर कोने से स्क्रॉल डाउन अगर मैं करता हूँ, आपको एक काफी लंबी लिस्ट मिलेगी। इन्हें
नवाजा गया है इस बार। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आर्ट फील्ड में ट्रेड लिटरेचर, ट्रेड इंडस्ट्री, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, मेडिसिन, पब्लिक अफेयर, अदर एंड सिविल सर्विस में इस क्षेत्र में ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये देखिए, लिटरेचर एंड एजुकेशन में 28 अवार्ड हैं, आर्ट्स में 29 है। सो ये कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोगों को अवार्ड मिला है। तो इस बार काफ़ी अच्छा लगा हमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवार्ड मिला है।